Okay, so hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorials Gwalior, and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So students, आज के इस लेक्चर में हम लोग वर्ब के पोर्शन को कवर करेंगे, यानी कि पहले समझेंगे कि वर्ब होती क्या है और उसके बाद में उसके जितने भी काइंड्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. आज हम लोग बेसिकली चार वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स. क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो इसका वीडियो पार्ट बनाएंगे उसमें दूसरे टाइप्स की वर्ब्स लेंगे. वर्ब्स बहुत सारे प्रकार की होती है. क्लियर? तो पहले समझेंगे कि वर्ब्स क्या होती है और उसके बाद में उसके फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं और उसके बाद में उसके काइंड्स और टाइप्स के बारे में बात करेंगे. क्लियर? सो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो स्टूडेंट्स, पहले समझते हैं कि वर्ब क्या होती है. तो अ वर्ब इज अ वर्ड यूज टू से समथिंग अबाउट सम पर्सन, प्लेस और थिंग. यानी कि जो शब्द किसी काम के होने और करने का बोध कराता है उसे हम बोलते हैं वर्ब. यानी कि जिससे पता चलता है कोई काम हो रहा है. कुछ लोग बोलते हैं कि एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स, तो वो भी ठीक है कि जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उन्हें भी क्रिया कहा जाता है. ना क्वेश्चन विल रेज सर, हाउ टू आइडेंटिफाई, हम लोग कैसे पता करेंगे कि दिया गया शब्द जो है वर्ब है. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली हिंदी अर्थ करने पर शब्द के अंत में ना, नी, ने आएगा. क्लियर? जैसे कि पेलना, खेलना, उठना, बैठना, आना, जाना, खाना, सोना, ये सब क्या है, इन सब के एंड में क्या रहा है, ना. क्लियर? तो प्ले, ईट, गो, कम, ये सारे वर्ड्स क्या, हमारे वर्ब्स. क्लियर? अब बात करते हैं हम लोग कि ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, उसके बाद में इंट्रांसिटिव, देन रेगुलर, देन इनरेगुलर. तो पहले ट्रांसिटिव वर्ब्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स. तो ट्रांसिटिव को हिंदी में बोलते हैं स्टूडेंट्स सकर्मक क्रिया. क्लियर? ट्रांसिटिव को हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया. तो ट्रांसिटिव क्या होती है, अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. क्लियर? अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स. क्लियर? पहले इंग्लिश में समझ लो, फिर मैं उसको हिंदी में समझा देता हूं एक बार. अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इट इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब्स. यानी कि एक चीज आप ऐसे समझो कि ट्रांसिटिव्स क्या होती है, जो कि अपने सेंस कंप्लीट करने के लिए उसको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी. यानी कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं उससे और अच्छा समझ में आएगा. जैसे कि हमने यहां लिखा ही प्लेस, वह खेलता है. क्लियर है? सेंटेंस है हमारा ये कि वह खेलता है, सेंसेबल है. अब आगे हम लोग इसको बढ़ाते हैं कि ही प्लेस फुटबॉल, क्रिकेट, चेस या कुछ भी खेलता है. क्लियर? अब क्या हो रहा है, जो ट्रांसिटिव होता है, ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पासिंग ओवर. यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट, जो काम होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही ना रहकर ऑब्जेक्ट यानी किसी दूसरे चीज के ऊपर भी आता है. क्लियर? ट्रांसिटिव का मतलब क्या होता है, पासिंग ओवर. यानी कि ऐसे वर्ब्स जहां पर क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट, जो भी काम होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही सीमित नहीं रहता है, बल्कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आता है. जैसे ही प्लेस फुटबॉल, क्रिकेट, कुछ भी, अब वह खेलता है. नाउ अब हम कैसे पता करेंगे कि सर दिए गए सेंटेंस में कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब्स है और कौन सी ट्रांसिटिव वर्ब्स नहीं है. तो सिंपल सी ट्रिक है स्टूडेंट्स कि दिए गए सेंटेंस में जो भी मेन वर्ब होती है उससे क्वेश्चन करो क्या और किसको. जैसे कि ही प्लेस, इसमें मेन वर्ब क्या, हमारी खेलना, इससे क्वेश्चन करो व्हाट, वह खेलता है. क्या खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या फिर चेस खेलता है. तो जो भी आंसर मिल रहा है, अगर आंसर मिल जाए तो जो गिवन वर्ड है हमारी वो क्या होगी, ट्रांसिटिव. यानी कि प्लेस जो है यहाँ पे वो किसका काम कर रहा है, ट्रांसिटिव वर्ब्स का. क्लियर है? और अगर क्या और किसको क्वेश्चन नहीं करने पर आंसर नहीं मिलता है तो वो कौन सी हो जाएगी, इंट्रांसिटिव. ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि दूसरी वर्ब्स है हमारी इंट्रांसिटिव, उसको समझ लो फिर एग्जाम्पल से उसको एक्सप्लेन करेंगे. इंट्रांसिटिव क्या है, अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट to complete its sense but makes good sense by itself is called an intransitive verb. Simple है, बात वही कह रहा है वो कि intransitive verbs क्या है यहाँ पे, कि ऐसी verb जिसको क्या होता है, अपने यानी कि object की आवश्यकता नहीं होती है. अब अगर मैं इसको बोलूं कि he sleeps in the bed, वह सोता है. अब इसमें क्या और किसको क्वेश्चन करो, ही स्लीप्स, वह सोता है, क्या सोता है, आंसर नहीं मिल रहा है.
किसको सोता है, आंसर नहीं मिल रहा। दोनों में से अगर एक का क्वेश्चन भी हमें आंसर मिल जाता तो ये वाली वर्ब क्या हो जाती, ट्रांसिटिव वर्ब्स, बट हमें यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वर्ब्स कौन सी हो गई हमारी, इनट्रांसिटिव वर्ब्स। क्लियर है? तो सिंपल सी चीज है कि ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है, ऐसी वर्ब्स जिसमें फंक्शन यानी कि जो काम होता है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ऑब्जेक्ट किसी अन्य चीज के ऊपर भी पास ओवर होता है। क्लियर? ऐसे इनट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती है, ऐसी वर्ब्स जिनमें क्या होता है, क्या और किसको प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिले, तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब से बात हुई है इसमें भी, जस्ट इसका अपोजिट है। क्लियर है? आई होप कि आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में। क्लियर है? ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में, बट उसको पढ़ने से पहले हम लोग वर्ब के फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं कि वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, वर्ब के टोटल 5 फॉर्म्स होते हैं। क्लियर? ऐसे समझ लेते हैं उसको, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। क्लियर? तो जो पहला फॉर्म्स होता है वर्ब का, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया गो। क्लियर? ये वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग प्रेजेंट फॉर्म। ये सेकेंड फॉर्म है, इसको नाम देते हैं पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट, पास्ट और थर्ड जो रहता है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और जो फोर्थ रहता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है, और जो फिफ्थ फॉर्म होता है उसे एस और यस फॉर्म्स बोलते हैं। क्लियर? आई होप ये पांचों फॉर्म्स आपके समझ में आए होंगे कि वर्ब्स के पांच फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला है स्टूडेंट्स प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिफ्थ फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं एस और यस। अब इसका मतलब क्या समझाने का, वो अभी समझ में आएगा। पहला फॉर्म है गो, सेकेंड फॉर्म हो जाता है इसका गो का वेंट, और थर्ड फॉर्म है गो वेंट गॉन, और फोर्थ फॉर्म हो जाता है इसका गोइंग, और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा गोस। ठीक है? ऐसे ही जितने भी हमारी मेन वर्ब्स होती है उनके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म ऐसे ही बनते हैं। अब बात करते हैं कि रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। ऑलराइट, तो चाहे इसको रेगुलर वर्ब्स बोल लो या फिर स्टूडेंट्स वीक वर्ब्स बोल लो। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट्स राइटिंग पे फोकस मत करना, आई टू आई कॉन्टेक्ट रखो और सुनना जो बोल रहा हूं, चीजें समझ में आ जाएंगी। ओके, सो रेगुलर वर्ब्स बोल लो या फिर वीक वर्ब्स बोल लो, बात एक ही है। तो ये होती क्या है, तो स्टूडेंट्स ऐसी वर्ब्स जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के फॉर्म डी, ई डी और टी लगाने से चेंज होते हैं, यानी कि डी, ई डी और टी लगाने से चेंज होते हैं, उन्हें बोला जाता है हमारा रेगुलर वर्ब्स। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं, वॉक माने चलना, वॉक्ड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी वॉक्ड है, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी वॉकिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी वॉक्स। क्लियर है? तो रेगुलर वर्ब्स और वीक वर्ब्स वो होती हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स क्या होते हैं, डी, ई डी और टी लगाने से बदलते हैं। क्लियर? और जो हमारी इरेगुलर वर्ब्स होती है या फिर स्ट्रॉन्ग वर्ब्स होती हैं उसके लिए ये वर्ब बोला जाता है, यानी कि इरेगुलर वो वर्ब्स होती हैं जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म उसके इंटरनल वॉवेल चेंज होके बनते हैं, यानी कि एग्जांपल से देखते हैं, लाइक गो वेंट गॉन कम केम कम सी सॉ सीन। क्लियर? तो पहले यहां पे क्या मतलब हो रहा है, अगर पास्ट और पार्टिसिपल के जो फॉर्म्स रहेंगे वो इंटरनल उसमें वॉवेल चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि यहां पे गो, गो माने जाना, पहले यहां पे ओ था, पास्ट फॉर्म में क्या हुआ यहां पे ई हो गया, और पार्टिसिपल फॉर्म में क्या हो गया फिर से ओ आ गया। क्लियर? ऐसे ही कम था सी ओ एम ई, पास्ट फॉर्म में क्या हुआ ए आ गया, यानी कि इंटरनल वॉवेल चेंज हो गए, और उसी तरीके से जो हमारा थर्ड फॉर्म था यानी कि पास्ट पार्टिसिपल उसमें क्या हुआ वापस से ओ आ गया। ऐसे सी सॉ सीन, पहले ई था एस डबल ई फिर ए हो गया और फिर से वापस एस ई हो गया। तो इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है स्टूडेंट्स, इरेगुलर वर्ब्स को क्या बोला जाता है हम लोग, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। क्लियर है? जो रेगुलर वर्ब्स होती है वो वीक वर्ब्स, और जो इरेगुलर होती है उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है। आई होप कि ये चीज आपके समझ में आई होगी। ऐसे और याद रख लेना कि जो हम जो भी काम हम रेगुलर करते हैं वो हमारे लिए आसान हो जाता है, यानी कि अब वो कमजोर काम है हमारे लिए। तो इसको याद रखने के लिए निमोनिज्म बना लेना, जो रेगुलर वर्ब्स होती है उसको वीक वर्ब्स कहा जाता है,
और जो इररेगुलर वर्ब्स होती है उसे स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहा जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि रेगुलर और इररेगुलर वर्ब की समझ में आई होगी। एक पॉइंट रह गया था इसमें कि रेगुलर वर्ब्स मैंने बताया था कि आपको क्या होता है, ऐसी वर्ब्स जिनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म्स डी ई डी ओ टी लगाने से चेंज होंगे। और दूसरा पॉइंट है ऐसी वर्ब्स जिनके फॉर्म्स चेंज ही नहीं होते हैं, लाइक पुट माने रखना, पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म उसके सेम है। कट माने काटना, कट कट कट, ऐसे क्विट, क्यू आई टी, क्विट, तो सेम फॉर्म रहते हैं। यानी कि ऐसे वर्ब्स जिनके फॉर्म्स चेंज होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो डी ई डी और टी लगाने से चेंज होंगे। आई होप कि आपको रेगुलर और इररेगुलर और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव समझ में आई होंगी। सो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो यहाँ पे फिनिश करते हैं। सो हमेशा की तरह लास्ट में रिक्वेस्ट कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने दोस्तों के साथ में, जानने वालों के साथ में, स्टूडेंट के साथ में शेयर करना। टिल देन सभी को गुड नाइट, बाय बाय और जय श्री महाकाल बच्चों।